चंपावत जिले की पुरुष कराटे टीम ने देहरादून में चल रहे खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में चंपावत जिले की झोली को दूसरा स्थान पाकर मेडलों से भर दिया। कराटे खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि पर चंपावत विधायक व प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कराटे खिलाड़ियों व कोच को बधाइयां दी। वही सीएम धामी की पत्नी श्रीमती गीता धामी ने कराटे खिलाड़ियों को सीएम आवास में बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कराटे खिलाड़ियों ने चंपावत जिले का मान ऊंचा किया है, साथ ही उन्होंने कराटे खिलाड़ियों को हर खेल सुविधा देने का भरोसा दिया। वही टीम कोच दीपक अधिकारी ने बताया कि चंपावत जिले के कराटे खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल सहित 22 पदक जीते हैं। 3 फरवरी से 4 फरवरी तक जिले की महिला कराटे टीम अपना जलवा दिखाएगी। खेल महाकुंभ में जो है खेल महाकुंभ के तत्वाधान में जो है जो खेल महाकुंभ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई उसमें जो है हमारे चंपावत जिले के 22 मेडल आए, जिसमें गोल्ड 4, 6 सिल्वर और 12 कांस्य पदक के साथ हमारा जो जिला चंपावत है पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर आया। और सभी खिलाड़ियों को और कराटे परिवार को और चंपावत जिले के जिला युवा कल्याण अधिकारी जी को और हमारे जिला प्रशासन को सभी को बहुत बहुत बधाई इन बच्चों द्वारा हमारे जिले के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे पूरे स्टेट की तरफ से जो है 22 पदक हासिल किए। और इसमें जो है हमारे खिलाड़ी द्वारा जो है एक जो है 22 मेडल मारने में जो है दूसरा स्थान भी प्राप्त किया स्टेट में, सभी को बधाई के पात्र है। और आज जो है हमारी गर्ल्स टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है देहरादून, जो है उन सबको भी शुभकामनाएं। और जो है हमारे जो टीम है गर्ल्स की वो भी विनर होके आए और जो है कोशिश ये रहेगी प्रथम स्थान लेके आए, सभी को शुभकामनाएं। और साथ में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और सभी कराटे परिवार को बधाई। और उन बालकों को जो है हमारे सीएम साहब द्वारा अपने आवास में आमंत्रित किया, आप आओ और आपके द्वारा जो है चंपावत जिला का नाम रोशन किया है, उनको आमंत्रित किया था। ये लोग वहाँ गए हुए थे बच्चे और इनको भी जो है हम सर द्वारा और उनके मिसेज गीता द्वारा सम्मानित किया गया। इन सबको जो है बधाई दी उन्हें और उन्हीं शब्दों के साथ में पुनः सभी खिलाड़ी और कराटे परिवार और जिला डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे चंपावत को और हमारे जो उनके सहयोगी हैं उन सभी को जो है बधाई और कोच को बधाई।